जो कानून तोड़ेगा उसको सजा। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आया, मेरा भाषण सदन के रिकॉर्ड पर है, कोई भी उठाकर देख सकता है, फिर से सुन सकता है, यूट्यूब पर भी है, आप भी उपलब्ध करा सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा था कि पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद में चुनाव होंगे और उसके बाद में पूर्ण राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, कोई हिंसा के बगैर जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, डिलिमिटेशन समाप्त होने के कगार पर है और मैं फिर से सदन पर कहता हूं, गृह में कहता हूं कि डिलिमिटेशन होने के बाद सभी दलों से चर्चा कर हम तुरंत चुनाव कराएंगे, हमें कोई शौक नहीं है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, ये बयान जो आपने सुना ये कल का बयान है। लोकसभा के अंदर अमित शाह गृह मंत्री देश के, उनसे एक सवाल पूछा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड जो है वो कब वापस मिलेगी, उन्होंने इसका जवाब जो है वो क्या दिया ये आपने सुना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 अगस्त 2019 को एक फैसला लिया गया जिसमें जम्मू कश्मीर के दो विभाजन कर दिए गए, एक को जम्मू कश्मीर यूटी बना दिया गया और एक लद्दाख हिस्सा जो था उसे अलग यूटी बनाकर अलग कर दिया गया। उस समय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी विद असेंबली रहेगा, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर असेंबली भी होगी और स्टेटहुड जो है वो वापस दे दी जाएगी जब यहाँ पर नॉर्मलसी जो है वो बहाल होगी। साथ ही में उन्होंने ये कहा कि लद्दाख जो है वो यूटी जो है वो बना रहेगा और वहां पर असेंबली जो है वो नहीं होगी, उसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो सेंटर पर ही रहेगा। अब कल जो है, क्योंकि इस समय इलेक्शन का दौर जो है वो शुरू होने जा रहा है, जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसे 2 महीने का समय दिया गया था कि वो अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर सकता है, उसके बाद अब राजनीतिक विशेषज्ञ ये कयास लगा रहे हैं कि प्रोबेबली अगस्त जून तक जो है वो जो इलेक्शंस हैं जम्मू कश्मीर के अंदर वो हो सकती हैं। और आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कब बिगुल बजाता है, कब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस जो है वो अनाउंस होते हैं, इसका इंतजार हर किसी को है। वही गृह मंत्री देश के, उन्होंने कल संसद के पटल पर एक बड़ा बयान दिया जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं वचनबद्ध हूँ, मैंने जो बयान 5 अगस्त 2019 को दिया था वो संसद के अंदर रिकॉर्ड्स में है, वो यूट्यूब पर पड़ा है, तमाम चैनल्स पर वो रिकॉर्डिंग जो है अवेलेबल है, आप उसे सुन लीजिए। क्योंकि विपक्ष ने सवाल पूछा था और विपक्ष ने यह कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड कब, कश्मीर में जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस कब होंगी, तो उन्होंने इसका जवाब में यह कहा कि पहले वहां पर डीडीसी चुनाव, बीडीसी चुनाव, पंचायती चुनाव, उसके बाद होंगे असेंबली चुनाव, उसके बाद जो है होगी उसके बाद होगा क्या स्टेटहुड वापस मिलेगी। अब जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड जो है वो जल्द मिलने की संभावना फिर से जो है वो एक बार सामने आ रही है, जिस तरीके से गृह मंत्री देश के ये बयान दे रहे हैं कि अब डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होंगे, चुनाव के बाद स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को मिल जाएगी। स्टेटहुड के लिए हर कोई जो है वो प्रयास कर रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करो तो वो लगातार जो है वो बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है वो स्टेटहुड जो है मिलनी चाहिए और हम इसके लिए फाइट जो है वो करते रहेंगे। कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है वो जम्मू की अलग राज्य जो है वो मांग कर रही हैं और वही कश्मीर को अलग राज्य बनाने की मांग भी कर रही है। रीजनल पार्टीज की बात करूँ, वही कुछ पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर कंप्लीट स्टेटहुड की बात कर रही है। अब समय बताएगा कि ये इलेक्शंस कब होती हैं और स्टेटहुड जो है वो कब मिलती है, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना कार्य खत्म कर लिया है, जल्द ही चुनाव होंगे, चुनाव के बाद स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाएगी। आपको क्या लगता है इस बयान को सुनकर, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि इसी महीने जो है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा जम्मू कश्मीर का है। क्या कुछ बड़ी सौगात लेकर अपने साथ क्या पिटारा खोलेंगे और क्या कुछ जम्मू कश्मीर की जनता के लिए अनाउंसमेंट जो है वो करेंगे, या फिर उनसे आने से पहले अनाउंसमेंट हो जाएंगी या फिर वो खुद यहां पहुंचकर जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो है खुद जो है वो अनाउंस करेंगे अपने मुख से, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब राजनीति गर्मा गई है जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि अगला जो चुनाव होगा वो जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, पूरा जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और इसकी निगाहें जो है पूरा देश जो है यहाँ पर टिकटिकाए बैठा है, वही पूरा विश्व जो है वो भी, समूचा विश्व जो है वो भी यहाँ पर नजर टिकाए बैठा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरकार कब चुनाव होंगे और कौन सी पार्टी जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सत्ता में काबिज होगी। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही बाहू एक्सप्रेस पर, के साथ शुभम लंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।